दोस्तों, कर्म योनी चैनल में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, हम हमेशा ज्ञानवर्धक भक्तिमय कथाएं लेकर के आते हैं ताकि हमारे मन का अंधेरा सदा के लिए दूर हो सके और हमें सच्चे ज्ञान तथा ईश्वर की प्राप्ति हो सके। आइए कथा श्रवण करते हैं। श्रावण सोमवार की कथा के अनुसार अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अंतर मन से बहुत दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी। उसकी मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा? पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव की व्रत पूजा किया करता था। सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित कर रहा है। भगवान, आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानती। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा, नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी ही पड़ेगी। यह आपका अनन्य भक्त है, प्रति सोमवार आपका विधिवत व्रत रखता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूं, लेकिन इसका पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उस व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बताई। भगवान के वरदान से व्यापारी को तो खुशी हुई, लेकिन पुत्र की अल्पायु की चिंता ने उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधिवत व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र का जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र की जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्प आयु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ाओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहां भी अमर और दीपचंद रात्रि विश्राम के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वर का पिता अपने बेटे के एक आंख से काने होने के कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर कहीं वह विवाह से इनकार न कर दे, इससे उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया।
उसने सोचा, क्यों ना इस लड़के को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले आऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह करा दिया गया। राजा ने बहुत सा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सच नहीं छिपा सका और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था, मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूं। अब तुम्हें जिस नव युवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। उधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की समाप्ति पर ब्राह्मणों को भोजन कराया और खूब अन्य वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार शयनावस्था में अमर के प्राण पखेरु उड़ गए। सूर्योदय पर मामा अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगे। आसपास के लोग भी एकत्र होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने के स्वर समीप से गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी सुनी। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे, आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी से बोले, पार्वती, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है, मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था, इसकी आयु तो पूरी हो गई। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठ बैठा। शिक्षा समाप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुंचे जहां अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा किया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद ने नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। अपने बेटे के विवाह का समाचार सुनकर पुत्रवधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आईं। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधिवत व्रत करेंगे और व्रत कथा सुनते हैं उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। ऐसी और भी अद्भुत कथाओं के लिए हमारे भक्तिमय और ज्ञान के चैनल कर्म योनि को अभी सब्सक्राइब कर लें, जहां हम देवी देवताओं के अद्भुत लीलाओं
उनके अनेक रूपों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करते रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय शिव शंभु। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।